अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिस्टर नॉलेज में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सईदा मसूमा। आज का प्रोग्राम एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम की जीनत बनेंगे डमी म्यूज़ियम से कोक स्टूडियो के मशहूर सिंगर आतिफ असलम, आयमा बेग और साहिर अली बग्गा। असाद गुल जान जुड़ा बड़े सिर दिबाज लग जावे, वे सिर दिबाज लग जावे, असी नच के वखावना है, असी होश नु कढ़ावना है, पावे सिर दिबाज लग जावे, पावे सिर दिबाज लग जावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे आप मुझसे क्यों जान छुड़वाना चाह रहे हैं? हम नहीं, आपको अपने शो पे बुलाया और हमसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। रफ्तार रफ्तार सनम बदबू बढ़ गए सनम, खुला इसका बटन। ये कोक स्टूडियो के सिंगर नहीं, जुनाबाद के मरासे लगते हैं। जाने दें, इनकी कोक स्टूडियो में इतनी डिमांड है। बाकी का इनका तारुफ बाद में कराएंगे, हम चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। कोक स्टूडियो ने म्यूजिक सीरीज कब शुरू की? कोक स्टूडियो ने अपना पहला सेशन 6 फरवरी 2007 को शुरू किया, जो कि 18 अप्रैल 2008 तक जारी रहा। कोक स्टूडियो की मेरी वजह से शोहरत मिली है। आतिफ, तुम 2021 की पैदाइश, मैं ठहरा पुराना सिंगर, मैं ना होता तो शोहरत ना मिलती। तुम क्या समझते हो, लेवल है लेवल करके? तुम्हारा कोई लेवल है? कोई लेवल नहीं है। बग्गा साहब, डोंट टच मी। ओहो सॉरी आयमा बेग, लेकिन आज बाल तो धोवाने थे। लेवल पे बात ना करे, मैंने उनके साथ मिलके गाया है। अब करो आयमा, क्यों रो रही हो? साहिर अली बग्गा के साथ गाना गा के भी तो तुमने बर्दाश्त किया ही है ना। क्यों, साहिर अली बग्गा की अच्छी भली तो आवाज है। आवाज तो अच्छी भली है, चेहरा बहुत भयानक है इनका। यही बात है तो मैं तुम्हें काफी अरसे से समझाता आ रहा हूँ। कैसे समझ जाऊँ, आपकी भी तो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हो गया आयमा, अच्छे भले तो हैं दोनों, तुम्हें इनसे इतनी कराहट क्यों आती है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जज किया। आयमा, आपकी पसंद के साथ तुम्हारा वाकई लेवल है। बदबू पसीने की आई तेज हवा, आंखें खुली सांसें रुकी, नहा ले एक बार, गटर भरे लाता दाद, बुलाओ चूड़ेदार, है शोर वोर है तोड़ जोड़, गटरों से आई आवाज, ओवे 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 ओवे। हाथ चूड़ों ने उठा ले, हौसला दिलों का बढ़ा ले, कई जरा तू उठा ले, साफ करके दिखा दे, ओवे 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 ओवे। आतिफ, आयमा, ये लेवल है आप लोगों का? अफसोस है आप लोगों पे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। आबिदा परवीन को कौन से खिताब से नवाजा गया? इन्हें क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक का टाइटल मिला और 2005 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। दिल की हिम्मत वतन, दिल का जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, तू झूम 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 झूम, मस्त मलंग चकिते, इत्थे आके जलील चकिते, दे दे उधार मेरा, मुंह तेरा पैड़ा पैड़ा, मुंह तेरा पैड़ा पैड़ा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लेजेंड हैं, हम उनके सामने अपना सर झुकाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, माना आप उनकी इज्जत करते हैं, मगर ये कौन सा अंदाज है इज्जत करने का? ये अंदाज मुझे आतिफ ने सिखाया है, इससे फॉलोअर बढ़ते हैं। आपको क्या जरूरत है, आपके तो ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मैं एक गाने की ना रिकम्पोजिंग करने जा रहा हूँ, सोचा आपको सुना ही दूँ। जी जी जरूर। सांसों की माला पे सिमरो मैंने जिंदगी में बड़े सुर सुने हैं, लेकिन ये कौन सा सुर है, दिन पक लक तक? ये फारसी का सुर है और इसमें आशिक का लक टूटा हुआ, दिन धक लक तक तक पक। जबरदस्त, देखा नाजरीन, नया सुर ईजाद हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है कि क्लासिकल म्यूजिक में सबसे ज्यादा शोहरत किसने हासिल की?
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में क्लासिकल म्यूज़िक में शोहरत पाने वाली एक ही शख्सियत हैं, और वो हैं पाकिस्तान के लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो, जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लबों को सीने के लिए तरपाई वाली सुई लेने जा रहा हूँ। पहले अपने जूते जो सिलवा लें, फटे हुए। मेरा दिल भी फटा हुआ है। आपके दिल के साथ आपका गला भी फटा हुआ है। जब मैं आपके साथ गाना गाती हूँ तो मेरे कान फट जाते हैं। जब इसके कान फट जाते तो फिर मैं गला फाड़ फाड़ कर बोलता हूँ कि आयमा गाने की अगली लाइन तो बोल दो। वैसे मिस्टर नौरी साहब, मुंह आपका ऐसे जैसे इंग्लिश में मंत्र पढ़ा होता है। काली ऐनक लगा रखी है, फर्क ही वाजिया नहीं हो रहा कि ऐनक काली है या रंग काला है। फर्क भी वाजिया हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कोक स्टूडियो में सबसे ज्यादा किस गाने को शोहरत मिली? 5 साल पहले राहत फतेह अली खान और मोमना मुस्तहसन का गाया हुआ गाना आफरी आफरी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे के आलू की बोरी कोई, जिसमें जैसे के धरती पे बोझ कोई, जिसमें ढीला कोई जिस्म बदबू कोई, आफरी 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 आफरी। सर अली टग्गा साहब, क्या बेसुरा गाते हैं आप? बेसुरा तो सुन लिया, अब इस पर 4 चांद लगाएंगे आतिफ असलम। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर, ख्वाब साए जहां फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो वह है असर, तू ही तू हर सू, तू ही तू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही तू हर सू, तू ही तू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदमा च तेरे असी दलियां विचाए नैन, नैना को चुराए तक के ना मर जाए, नैना को चुराए तक के ना मर जाए, उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है, उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है, तमगाया समा होश है लापता तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो वह है बेहतरीन, लाजवाब, कमाल। अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि कोक स्टूडियो मुतारिफ करवाने का आइडिया किसका था? कोक स्टूडियो का आइडिया नदीम जमान ने 2007 में दिया। ये नदीम जमान फखर जमान के भाई थे? शर्म नहीं आती आपको आईमा बेग? दीवानगी मैं यूं खफा था तो सही। आपको क्या हुआ आतिफ असलम थथा साहब? मेरे 40 रुपए गुम हो गए हैं। टग्गा साहब अपनी जेबें चेक करें जरा। आतिफ साहब मेरी तो जेबें भी नहीं है आज। बाल चेक करेंगे, बालों में ना पूछना। आप लोगों को पैसों की पड़ी हुई है, इधर मेरी बेस को ठेस पहुंच रही है। सस्ती आयमा की सस्ती बेस पहुंच गई ठेस। आयमा मैंने पहले भी आपको कहा था कि बाहर मत निकला करो। ये मेरी बेस को ठेस पहुँचने के ताने आप दे रहे हैं, मैं मासूमा से ले लूँगी। उधर भी सूरज सवा नेजे पर है, बेसोई बेस। दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बैके, दिल की हिम्मत वतन, दिल का जज्बा वतन, मस्त मलंग चकिते सदा दिल तंग चकिते, आई मनु तंग चकिते। बस बस
असी शो तो जावणाए फिर दी बाजी लग जावे। जी नाजरीन, तो आज आप देख रहे थे कोक स्टूडियो के मशहूर सिंगर आतिफ असलम, आयमा बेग और साहिर अली बग्गा को। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा बहुत पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसके अलावा शेयर करना मत भूलेंगा। अल्लाह हाफिज़।